आप सबको मेरा नमस्कार। फिल्म देखने वाले दर्शकों से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। ये कुछ अलग किस्म की कहानी है, वो इसलिए कि शुरू से अंत तक काल्पनिक है। कोई मुझसे पूछे भूतनी कैसी होती है, कहूंगा सफेद साड़ी में लिपटी एक सुंदर सिनारी, खुले लंबे बाल, हाथ में मोमबत्ती। शुक्र है किसी असली आत्मा से पाला नहीं पड़ा। वैसे क्या आपका सामना हुआ है? इस फिल्म के जरिए एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो मैंने किसी और से सुनी। और हाँ, प्रेतात्मा को लेकर लॉजिक ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, वजह पहले ही बता चुका हूँ। तो शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर। दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन फेक स्टोरी। ये देखो, मेरी सबसे पुरानी फोटोज में से एक। ये अजीत है, उस वक्त हम 10 या 11 साल के होंगे। अरे कैसे लगते थे तुम? ऑफ कोर्स, जैसे तुम तो अपनी फोटोज में ऐश्वर्या राय लगती थी। हाँ, उस उम्र में अनाथालय में बचपन गुजारा है मैंने, ग्लैमर कहाँ से आता। समझती हूँ। वैसे अजीत दोस्त नहीं मसीहा था। उस उम्र में मैं भीगी बिल्ली हुआ करता था। तो अब कौन सी शेर हो? कब डरता देखा मुझे, किसी भी पहलवान को पछाड़ सकता हूँ। वो छोड़ो, अनाथालय के फादर ने ये फोटो खींची उस वक्त के KB10 कैमरा से। अजीत फोटोग्राफी के लिए पागल था। एक दिन फादर से छुपा के कैमरा ले आया, फोटोज क्लिक करता गया, पूरी रील खत्म कर दी। फादर कुछ बोले? बोलते कैसे नहीं, हमें कमरे में बुलाया, मैं तो रोने ही लग गया। अजीत ने तो रिएक्ट तक नहीं किया। फादर ने हमें डांटा नहीं, उल्टा उन्होंने अजीत को वो कैमरा पकड़ाया और कहा, कभी भी कुछ चाहिए ना तो मुझसे मांग लेना, लेकिन चोरी मत करना, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। एक और बात बताऊं, 10th स्टैंडर्ड तक अजीत मेरा और मैं उसका इकलौता दोस्त था। और इसके बाद? धीरे धीरे गैंग बढ़ने लगा। ये देखो, ये है स्वाति। मैं और अजीत अनाथालय से आए, इसलिए कोई हमसे ठीक से बात नहीं करता था। स्वाति ने ही सबसे पहले हमसे बात की थी, उसके थ्रू ही हम सुदीश से मिले। उन दोनों में कुछ तो पक रहा था। मतलब लवर्स थे? अरे नहीं, लव शव नहीं था, चिकन रिलेशनशिप था। ये क्या, पहली बार सुन रही हूँ। सुदेश कहने को तो ब्राह्मण था, पर चिकन के लिए क्रेजी था। स्वाति के पापा की चिकन शॉप थी। रोज चिकन के आइटम्स लेकर आती थी, कभी बिरयानी, कभी ये, कभी वो। सुदेश खूब मजे से सब कुछ सफा चट कर देता था, इसलिए हम ऐसे चिकन रिलेशनशिप कहते हैं। सही है ना? हाँ सही है। और गोपाल, हमारे क्लास में होते हुए भी हम काफी समय तक दोस्त नहीं बन पाए। चर्च में शादी होती तो वो केटरिंग का काम करता। उसे काम करता देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिलती थी, इसलिए हमने भी उसे ज्वाइन कर लिया और आखिरकार वो भी हमारे गैंग में शामिल हो गया। समय के साथ साथ भूलने लगा कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, अपने दोस्तों को ही मैं अपनी फैमिली मानने लग गया। तुम उन्हें मिस करते होगे ना? मिस करने की बात करें तो बता दूं कि हर दिन याद करता हूँ उन्हें। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो और हमारी ये छोटी सी दुनिया, सच बताऊं अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। सर एक फोटो हमारी भी खींचिए ना, बैकअप के बाद याद रखना, ठीक है ना? मैं जानती हूँ आवाज से मुझे नहीं पहचान पाओगे, मैं एन हूँ, तुम्हारे विवेक की एन। मैं जानती हूँ तुम लोग बहुत गुस्सा होगे, पर फिर भी हमें माफ कर देना। इस महीने की 11 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तुम सबको आना होगा। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब वो तुम सबको याद नहीं करते। सर, विवेक चाहे कुछ कहे, तू चेक कर ले। पर मैं जानती हूँ वो तुम सबको बहुत मिस करते हैं। सच बात तो ये है कि
वे तुम्हें सगे भाई से भी ज्यादा मानते हैं। विवेक के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता। तुम सबको आना ही होगा। गोपन, are you coming? या चल। Just one minute. सब ठीक है ना? अरे रूम पे मिलते हैं। Okay, okay. देखना किसका फोन है। अजित का फोन है। हाँ, फोन कान पे रखना। हेलो। अरे ढीले, अपने कान पे नहीं, मेरे कान पे रखने को बोला। हाँ बोल अजित, कैसे याद कर लिया? अबे अजित ही नहीं, पूरी टीम यहाँ है, कॉन्फ्रेंस कॉल है। सब कनेक्ट हो गए, अब बताओ क्या सोचा है सबने? अरे इसमें सोचना क्या है, चुपचाप शादी कर ली, यारों को कानो कान भनक तक नहीं लगने दी, दारू के पैसे बच गए, तब से आज तक मैसेज भी नहीं किया। हाँ, वो तो है, माना कि उसे एक बात बुरी लगी, लेकिन ऐसे रिएक्ट नहीं करना था। सुदेश भी कोई दूध का धुला नहीं है। विवेक ने जब लड़की के बारे में बताया तो पता है उसने क्या कहा? यही कि वो उससे शादी करने के लायक ही नहीं है। विवेक उस बात से कितना हर्ट हुआ था मैं ही जानता हूँ। अजीत आप तो बिरयानी पकाना मत शुरू कर। यही कहा कि लड़की के माँ बाप ने रिश्ते के लिए ऑब्जेक्शन उठाया, सही किया। वैसे इस बात के लिए माफी भी मांग चुका हूँ, फिर भी तब से लेकर आज तक मेरे साथ एक भी बार बात नहीं की। वही तो मैंने भी कहा, अरे इतना भी क्या गुस्सा, एक मिस कॉल ही दे देता। अरे अपनी ईगोस को बलून की तरह फुलाने से पहले एक बात तो सोचो, एहन से हम कभी मिले ही नहीं है, ना ही कभी उससे हमारी बात हुई है, फिर भी उसने हमें मैसेज किया। इसका मतलब है विवेक ने उसे हमारे बारे में बताया है। अब इतना भी क्या सोचना है यारो। और फिर उसने हमें इतने प्यार से आने के लिए कहा है, तो हम सबको जाना चाहिए यार। ये सुन के तो दिल पिघल गया होगा। पिघल गया मतलब? मैंने मना कब किया? मैं तो भाई पक्का जाऊंगा। ये हुई ना बात, हम लोगों को देर नहीं करनी चाहिए। क्या रहे गोपाल, कब निकल सकता है तू? अरे मैं तो फोन रखते ही निकल जाऊंगा, और वैसे भी इस शहरी शोर शराबे से पक चुका हूँ। ओह पकने लगा? अबे झूठे, इतने पैसे कमा रहा है तो जल क्यों रही है तेरी? जरा इस गर्मी में आके देख, ऊपर से लेबर, मौका मिलते ही चूना लगाने को देखते हैं। तू पान भी खाता है क्या? नहीं रे, वो चूना नहीं, मुंह फेरते सीमेंट में रेत मिलाते ना, वो वाला चूना। बकवास बंद कर यार, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम डन समझे, वहाँ जाकर धमाल करेंगे। सही कहा, वी आर गोइंग टू रॉक इट। और हाँ सुदेश, लास्ट मोमेंट पे धोखा दिया ना तो तेरे घर पे आके मारूंगा तुझे। अरे जरूरत नहीं है, उड़ के आऊंगा रे। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, होटल में बहुत क्राउड है। क्या भाव खा रहा है, चल भाग। ओके बाय। ओके बाय। ओके एन। हाँ स्विच ऑन करोगी प्लीज? अच्छा है, सोचा नहीं था इतना ब्राइट होगा। ऐसा क्यों, डाउट था? क्रिएटिविटी, यूं समझ लो कि मेरे अंदर कूट कूट के भरी है। ओहो। इसे कहते हैं टाइमिंग। फायदा उठाएं, किस्मत ने खुद आज ये मौका दिया है। विवेक क्या था वो? पता नहीं। ध्यान से।
नहीं नहीं मारना मत, मारना मत, मारना मत, अरे बस बस सर, सरप्राइज देने आया था, मार डाला यार तूने तो, बस कर। सुदेश? हाँ भाई सुदेश, तेरा पुराना दोस्त। अरे यार तू और कौन? हेलो। अरे बिल्ली तू भी आई है? कितने साल हो गए हमें। दिल मेरा तोड़ा, पसलियां मेरी तोड़ी और मरहम उसको लगा रहे हो, बेशरम। अरे रक्षा करो मेरी। ये कभी नहीं सुधरेगा। सब पीछे रहो, ये मेरा पेशेंट है। हो गया ठीक। थैंक यू डॉक्टर। तू भी ना। डर गया, डर गया। तुझे चीखते हुए सुन लिया। गोपाल तू भी आया? यस। तूने चीखने की आवाज सुनी? अरे वो मैं था, लाइट ऑन नहीं करता तो मैं मर जाता। और तुझे तो देख लूंगा। रास्ते में कार रोक के आधा किलोमीटर तक मुझसे बैग उठवाए ना, अब देखते रहे सरप्राइज की ऐसी की तैसी। अचानक तुम लोग कैसे आ गए? तुझे सब बताता हूँ यार, पहले पानी तो पिला। सॉरी यार, बहुत लगी है ना तुझे, आराम से पिया, आराम से। मेरे भाई, तेरे दिल में जितने भी खुन्नस भरी थी ना, तूने किक मार के सब निकाल दी। एक बात बोलूं, मेरी वाइफ तुझसे ज्यादा कड़क किक मारती है। तुझे लड़की मिल गई? इतना ही नहीं, पता है अपना सुदेश आजकल क्या बन गया है? क्या बन गया? एक ही झटके में रोडपति से करोड़पति बन गया है। सच बोल रहा है तू? हाँ, एक बड़े घर की लौंडिया पटा के उसकी सेवा करके मेवा खा रहा है। अरे भी बोलता है। ये क्या है, घोड़े के दुम? No man, it's my style. वो तो अपनी पहचान है। इन साइकोस के साथ रह के कोई नॉर्मल रह सकता है क्या? ये बात इस चोटी के बहाने सही, लेकिन लड़की ना मुड़ के देखती तो है। अच्छा बता, जॉब वॉब है कि नल्ला है? दुबई से लेके एमिरेट्स तक रोज कॉल आते हैं। आफ्टर ऑल इंजीनियर जो हूँ। क्या कहूँ तुझे, सुधरने वाला नहीं है। विवेक, पक्का तुम्हारी आर्ट का ही कमाल होगा है ना? जब भी वक्त मिलता है वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठा करके हैंडीक्राफ्ट बना लेता हूँ। ला दिखा दो। देखो, कचरे से बनाया गया। नहीं तो क्या? ये 60-65 किलो का भंगार है, इससे कुछ बना सकता है क्या? कुछ अच्छा बना ना। कभी सुधरेगा नहीं। कचरा कैसा भी हो, फेंकने का नहीं, कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है। मेरी खींच रहा है, अब तक आदत गई नहीं तेरी टांग खींचने की। रुक जाओ यार, उधर दूर खड़े होने वाले पास आ जाओ। तो ये है वो। सॉरी 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 गाइस, ये है मेरी। तुम्हें कैसे पता चला? तुम भी ना बेवकूफ रहोगे, पता कैसे नहीं चलता, इसी ने तो हमें इनवाइट किया है। तो तुझे क्या लग रहा है, ये हम लोग यहाँ ऐसे ही टपक पड़े? बड़ी इज्जत से एन ने हमें यहाँ बुलाया है तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। सरप्राइज। सुनना, तू अभी तक मुझसे गुस्सा है क्या? किस लिए? क्योंकि मैंने तुझे इतने समय तक कॉल नहीं किया। अबे कुछ भी, सिर्फ मैं अकेला नहीं था इसमें, तूने तो किसी को भी कॉल नहीं किया। हाँ, अगर मुझे छोड़ के उन्हें बुलाता तो। मैं जानता हूँ यार, तुझे डर था कि हमारी वजह से एन के घर वालों को तेरे बारे में पता ना लग जाए। उसके अलावा हमसे बात ना करने की कोई और वजह तो होगी। अब तेरी मजबूरी ना समझ पाऊं तो दोस्त काहे का हुआ। वो छोड़, अपने दोस्त को सुनाने के लिए कुछ अच्छी कहानियां नहीं है, है ना? फिलहाल सॉरी से काम चलाते। सॉरी यार। अबे हाथ हटा, चल गाड़ी में बैठ, चल। ए, क्या कड़क मौसम है ना, हड्डियां कड़कड़ाने लगी। दुबई की तपती गर्मी से आता तो तुझे मजा आता। सही है, जैसे पांडिचेरी में बर्फ गिर रही है। भगवान मेरी रक्षा करना। अरे अब तक इन्हें साथ मिलिए घूम रहा है? क्यों नहीं घूमूंगा, इनके लिए भी मैं टिकट निकलवाता हूँ। बेचारे कृष्णा। अंदर की बात बताऊं, ये साथ रहते ना तो कॉन्फिडेंस में बूस्टर लग जाता है। मम्मी बचा। अबे पट्टू, पानी टेबल पर रख दो। पानी मुझे दे दो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकते हैं। ओके। हाँ।
Sweetheart. Thanks. तुम खुश हो ना? Hey, good morning. Good morning. Ajit, good morning. Hey, बहरा है क्या? हाँ, good morning. क्या हुआ ऐसे? कैमरा ऑन नहीं हो रहा यार. दिखा मुझे. यहाँ आसपास कोई सर्विस सेंटर है क्या? यहाँ नहीं पर टाउन में तो है. अबे विवेक, इतना बड़ा घर है, एक छोटा सा आईना नहीं है? क्या जरूरत पड़ गई? गोरा होने वाली क्रीम लेके घूम रहा हूँ पर थोबड़ा भी तो दिखना मांगता है ना. एक आईना था, दो दिन पहले ही टूट गया. जितने भी लगाए सबका यही हश्र हुआ. अपना कातिल गुलाबी मुखड़ा देखूंगा कैसे? कालू राम, तुझ जैसे को आईने की क्या जरूरत है बे? डराना है तो हमें डरा, तुझे देखकर आईने चकनाचूर हो जाएंगे वैसे. चलो मेरी सुंदरता से. कहाँ जा रहा है तू? ऑफिस जा रहा हूँ. और कहाँ, सरप्राइज विजिट था इसलिए मैं छुट्टी नहीं मांग पाया. सोचो एक बार चला जाता हूँ, कोशिश करूंगा हाफ डे मिल जाए. वैसे ये सुदीश कहाँ है? भूल गए, उसको सजने सवरने से फुर्सत मिले तभी तो बाहर आएगा. अच्छा फिलहाल मैं निकलता हूँ. रास्ते में तुम्हारा कैमरा रिपेयरिंग के लिए दे दूँ? नहीं रहने दे, मुझे मार्केट जाना ही है. okay. मैं जाके ढूंढ लूंगा अपने आप. ठीक है स्वाति. हाँ. साथ चलेगी क्या? नहीं यार, क्योंकि मैं एन के साथ घर में वक्त बिताना चाहती हूँ. ओके गाइस, शाम को मिलते हैं. ओके, आज तो जल्दी आओगे ना? हाँ कोशिश करूंगा. अच्छी बात है, छुट्टी लेने की कोशिश करना. बॉस को पटाना पड़ेगा. स्वर्ग जैसी जगह, अप्सरा जैसी बीवी, कितना खुशकिस्मत है. अगर सच कहूँ ना तो असली लाइफ तो यही जी रहा है. पिछले जन्म में जरूर उसने अच्छे कर्म किए होंगे. चलता हूँ. चल यार. ए, मन कर रहा था उसका थोबड़ा फोड़ दूं. तेवर देखे उसके, उसके बाप ने कैमरा बनाया क्या? यहाँ का इकलौता सर्विस सेंटर है, झेलना ही पड़ेगा. उस कैमरा सही सलामत दे दे. ये कालू कहाँ गया? आ गया था. अरे ये देखना, मैं आईना लेके आया हूँ. अब चले, 5:30 बजने वाले, कुछ खा लेते हैं. दिल की बात बोल दी. हाँ तो चलो. चलो ना. चलो. अरे वो देख मुर्गी की बड़ी सी फोटो. हाँ रोक रहा हूँ यार, यही सोच रहा था कि अभी तक चिकन के बिना जी कैसे रहा है? पेट भर के दबा के खाएंगे. बेटा ये देख तो जरा. ठीक है माँ. हाँ भाई, फ्रेश चिकन मिलेगा? हाँ मिलेगा ना. कितना चाहिए? 4 किलो चाहिए. अबे 4 किलो क्या करेगा? थोड़ा आज के लिए, थोड़ा कल के लिए. आप मुझे पता बता दो, मैं भिजवा दूंगा. यहाँ से बहुत दूर है. उसका टेंशन मत लीजिए, सब जगह हमारा ही चिकन जाता है. बस अपने रूम का पता दीजिए, मैं भिजवा दूंगा. नहीं नहीं रूम नहीं है, बर्नार्ड बंगलो का नाम सुना है? 5 किलोमीटर दूर है. क्या बोला? वो भूतिया बंगला? भूतिया बंगला कुछ भी, भूतिया ऐसा वैसा कुछ नहीं है. ये मजाक कर रही है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ. वहाँ पर बहुत टाइम से लोग रहते हैं. इंसान तो क्या, मुर्गी का भूत भी नहीं है. तुझे क्या मालूम, बर्नार्ड की औरत की आत्मा आज भी वहीं भटक रही है. हा? एक मैनेजर था वहाँ, उसकी बीवी का हाल क्या हुआ पता है? उस पर वो भूत चढ़ गया और उसने मेरी मौसी पर खौलता तेल डाल दिया. वो इसलिए कि तुम्हारी मौसी के साथ उसका चक्कर चल रहा था. हमेशा नई नई कहानियां बनाती रहती है. काम करो अपना, भाड़ में जाओ. तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं. भाई सच बताना, भूत है क्या? कोई भूत प्रेत नहीं है. ये आप मेरा नंबर लीजिए, बस आप टाइम बता देना, मैं पहुँचा दूंगा. हाँ अच्छा हो तुम लोग आ गए. ये लोग भी आ गए. सच कहूँ तो मुझे इनकी चिंता होने लग गई थी. ये डिक्की में से कवर निकाल, गाड़ी पे डाल. नहीं रहने दे, जरूरत नहीं है. इतना लेट कैसे हो गए? बस थोड़ा सैर करते हुए आए हैं और ये कल का सामान ले आए हम लोग. ओहो, इसकी क्या जरूरत थी, पहले ही बहुत सामान है. ये क्या उठा ले आए? आईना, देखा नहीं कभी? अंधी नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा है कि तुम टूटा आईना क्यों लाए हो. टूट गया कब? कहा था ना यहाँ आईने नहीं टिकते हैं. अरे यार गया पैसा. अच्छा तूने कैमरा ठीक करवा? हाँ दे दिया, वेडिंग एनिवर्सरी तक ठीक भी हो जाएगा. ठीक है ले आऊंगा. अबे कार से उतरने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? सच बता, इस घर में तू कब से रह रहा है? क्यों क्या हुआ?
एक नंबर का गधा है ये। चिकन चौक पर एक सन की बुढ़िया मिली थी, उसने कहा कि यहाँ भूत है, तब से इसकी आंखें फटी हुई है। भूत है? हाँ, वो भी किसी अंग्रेज का। मतलब तुमने भी बात सुन ली? मतलब ये सच है क्या? हाँ, कुछ हद तक। फ्रेश हो जाओ, फिर बताता हूँ सब। इनसे मिलो, इस कहानी के नायक बर्नार्ड हंट। पत्नी के साथ मिलकर गर्मियों में यहाँ रहने के लिए ये बंगला बना लिया। कुछ समय बाद बर्नार्ड ने इसे बेचना चाहा ताकि लंदन में सेटल हो सके। तो वो अपनी वाइफ को यहाँ छोड़कर एक दिन लंदन चले गए। कुछ संजोग हुआ कि वो जल्दी लौट आए, लेकिन लौटने वाला शख्स उनकी आत्मा थी। लेकिन बर्नार्ड एक जहाज में डूब के मर गया। वो आत्मा जानती थी कि नौकरानी को यह बात पता है, इसलिए मैडम को छोड़कर सबको मौत के घाट उतार दिया। और हाँ, सारी लाशें इसी कमरे में दफन है जहां हम खड़े। लोग यहाँ आना बंद हो गए, उसके बाद यहाँ क्या हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे भाई, तुझे क्या सूझी यहाँ रहने की? अरे छोड़ना विवेक, ये पहले ही डरा हुआ है और डराएगा तो चक्कर आ जाएंगे इसको। अरे यार, सब मनगढ़ंत कहानी है, इतने सालों में हमें तो कोई आत्मा नहीं देखी। मैंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। लगता है उसे कोई मारने लायक शिकार नहीं मिला। क्या कुछ भी बोलती है। एक्सक्यूज मी गाइस, इन खूनी भूतिया कहानियों का डर अपने सहमे दिल से निकालने के लिए ये गोपाल लाया है एक टोटका। टाइम टडाइम। अगर लेडीज की परमिशन हो तो इस कमसिन शाम को एक मदहोशी भरी रात बना देते हैं। तू ये किधर से ले गया? डोंट अंडर एस्टिमेट द गोपाल। चलो फिर शुरू करें। गाता ही क्यों है? मजा नहीं आया क्या? चिकन पूरा खा गया, जा और लेकर आ। ये नहीं पीने वालों का यही प्रॉब्लम है, हमारा हाथ लगने से पहले ये सारा चखना सफा चट कर जाते हैं। ये तो नाइंसाफी है माय लॉर्ड। मैंने कहा था इसके हाथ में चिकन की प्लेट दो ही। मैं नहीं तो क्या पूरा मजा गिरगिरा कर दिया। फैसला कोर्ट ले। तू चुप कर यार, दिमाग नहीं है क्या तेरे में? मैं जाऊंगा। प्लेट मुझे तो, मैं लेकर आती हूं। थैंक यू। मैं जाकर आन की हेल्प करती हूं। ओके, नहीं सॉरी, एक मिनट रुको, मैं तुम सबसे खास बात करना चाहता हूँ। अरे एक क्यों, चार सुना, ये अलादीन हर ख्वाहिश पूरी करेगा। अलादीन का जिन ज्यादा लगता है तो बोलना यार। दरअसल मैं तुम सबको ये बात कल ही बता देना चाहता था, लेकिन। बात क्या है? किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? नहीं नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, फिर भी कुछ है। तुमसे इतने दिन कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सा नाराज था। सच कहूं तो अंदर से दुखी था, पर बाद में एन और मैं यहां आ गए और हम यहीं सेटल हो गए। सोचा कुछ दिनों में तुम सबको इनवाइट करूंगा। और फिर एन प्रेग्नेंट हो गई। पता है अजीत, मैं बहुत ज्यादा खुश था कि दुनिया में मेरी अपनी औलाद आएगी और कुछ ही दिनों में मैं पापा बन जाऊंगा, तुम सबको सरप्राइज दूंगा। लेकिन हमने बच्चा खो दिया। वक्त की नजर लग गई। हम दोनों के लिए बड़ा शौक था, खासकर एन के लिए। बेचारी मेंटली वीक हो गई और बोलना भी छोड़ दिया, गुमसुम रहने लगी। हम दोनों इस दुख के भागीदार थे। लेकिन जब एन ने तुम्हें इनवाइट किया, मुझे एक पॉजिटिव साइन लगा। पर फिर भी पता नहीं चलता क्यों, पर वो बहुत अजीब सा बर्ताव करती है, समझ से परे। इसलिए ऐसा कुछ हो जाए तो तुम लोग बुरा मत मानना। क्या कह रहे हैं तू? अपने दोस्तों को समझता क्या है यार? तेरी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है क्या? अरे तेरी सेना आ गई है, सब ठीक कर देगी। हमारे जाने से पहले तुझे तेरी पुरानी वाली आन मिल जाएगी। भाई, we are going to blast. कमाल करेंगे, देखना। अरे धीरे धीरे। अरे कालू छोड़, आराम से। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। अरे चल 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 चल। Thank you.
ये नींद में कौन गा रहा है? हा? अरे नहीं, क्या मस्त गाना है, बजने देना। तूने भी सुना क्या? हा? वही गाना तूने भी सुना? हा? कौन सा गाना? अभी वो जो गा रही थी। रात को भी चैन नहीं है, सोने देना है। अरे गोपाल, सुदेश कहाँ है? आपने लिटिल कृष्णा की फोटो ढूंढ रहा होगा। कृष्णा की? अरे मतलब बाल गोपाल जी की फोटो कहीं खो गई होगी। मिली नहीं यार? गुम गई होगी, हम ढूंढ लेंगे। ए, अभी अपना मूड ठीक कर ले और जरा डोसा ट्राई कर। क्यों एन, तुम खा नहीं रही क्या? मैं खा चुकी। आई? तुमने कब खाया? खाना बनाते वक्त टेस्ट करते करते पेट भर गया, उसके बाद भूख ही मर गई। ऐसी है एन, भूख बर्दाश्त नहीं होती उससे। स्वाति, तू नहीं खा रही? ये जो अंग्रेज है ये कितना गुड लुकिंग है। नीली आंखें, घुंघराले बाल, रबीली मूछें। आज की तारीख में अगर जिंदा होता बिना कुछ सोचे शादी कर लेती। पानी देना। एक शादी करके जी नहीं भरा तेरा? अपना काम कर। स्वाति, इतना रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा ये हैंडसम इसी घर में घूम रहा है आज भी। बोरी फंसेगी। मैं फंसाऊंगी। वो देना। ए, ये गाना कहाँ सुना तूने? क्या बोला? शायद कोई पुराना गाना होगा। क्यों? कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम लोग खाओ ना, खाओ ना। पागल है क्या? क्या हो गया इसको? ए! अब मेरी बारी। मैं हूँ राजा। अच्छी बात है, बताओ क्या समस्या है? वो मेरे बाग से लीची और आम चोरी हो गए। यहाँ दरोगा कौन है? दरोगा हाजिर है सरदार। अच्छा, तो फिर चोर को ढूंढो।
मुझे मत देख। ओ यही चोर है। ये गलत जवाब, चोर तो मैं हूँ। अरे चीटिंग हो गई मेरे साथ। तू येड़ा का येड़ा ही रहेगा। अरे चीटिंग हो गई, पता ही नहीं चला। छोटा बच्चा भी ढूंढ लेता, शर्म कर। क्या यार, बहुत हो गया, लाओ इधर। अरे चोर मैडम, आप भी दो ना। हां चलो ना, रोमांस करते हैं। और क्या, चलो ठीक है, करते हैं। दोस्तों एक मिनट। हेलो, हां बोलो मॉम। चल चल शुरू कर, चलो शुरू करते हैं। हां ठीक है, मत रखो मॉम, कुछ नहीं होगा, प्लीज हिम्मत मत छोड़िए। ओके, स्वाति को देख, ए कुछ तो गड़बड़। आजा स्वाति, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरी मॉम का फोन आया था। आज घर आकर उसने फिर से हंगामा किया। तू उसको बर्दाश्त ही क्यों करती है? मैं सब मैनेज कर लूंगी, पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी। एक महीने में डिवोर्स हो जाएगा, बस एक बात का अफसोस है, उसने रोज का ड्रामा बना लिया है, कभी घर पहुंचता है तो कभी ऑफिस। मैं उससे तंग आ चुकी हूँ यार। मैं संभाल लूंगी, डिवोर्स के बाद सब ठीक हो जाएगा। चलो बहुत हो गया रोना, गेम खेलते हैं। मैं चोर तो सिपाही। हाँ वही। हाँ तुम रानी, कम ऑन, चलो स्वाति। यस, चलो शाबाश, हिम्मत रखो, आओ तुम हमारी रानी। स्वाति रानी की जय, स्वाति रानी की जय। चलो हमारी स्वाति रानी की। स्वाति के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। बेचारी, लव मैरिज है इसलिए सब उसी पे ब्लेम कर रहे हैं। शायद उस आदमी को कोई एडिक्शन है। अच्छा? बार बार स्वाति की पिटाई करता है। स्वाति ने काफी सारी बातें की, हम दोनों को वो बहुत लकी समझती है। उससे कंपेयर करें तो ये सही भी है ना? विवेक, तुमसे एक बात पूछूं? अगर उसकी तरह हम भी अलग हो गए तो तुम्हें दुख होगा? तुम जानती हो कि ऐसा कभी नहीं होगा, तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी सोचो, अगर हम लोग अलग हो गए तो तुम्हें बुरा लगेगा? नहीं, अगर मैं जिंदा रहूंगा तो दुख होगा ना, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं जी कर क्या करूंगा? जी बहुत मजाक किया, सच कह रहा हूँ, यकीन नहीं होता। तुम्हें मजाक लग रहा है? और नहीं तो क्या। हेलो 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 हेलो, मैं चेतन बोल रहा हूँ। हाँ हेलो। हाँ बोलो। तुम चिकन को नारियल की चट्टी में बना सकते हो क्या? तुम्हारी मम्मी को पूछो ना, ज्यादा अच्छे से बताएंगी। ठीक है, उन्हीं से पूछ लूंगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। माँ के समाधि रात को रेसिपी पूछते हैं, अच्छी खासी नींद आ रही थी उड़ा दी। ये इतनी रात को किसके साथ झगड़ रही है? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, और अब तो मेरे घर वालों को भी दुखी कर रहे हो। क्या इस चीज का कोई अंत नहीं है? क्या मैं अंत करूं? गुस्सा मत दिलाओ, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हाथ उठा सकते हो? तुम देखना। अरे उठना, अरे उठना जल्दी, चलना देखना। अरे क्या देखना है, एक हिस्सा रेती में तीन हिस्सा सीमेंट मिक्स। ए इंजीनियर की औलाद। क्या मुसीबत है यार? स्वाति बर्नहार्ट से बात कर रही है। अरे तो प्रॉब्लम क्या है, अच्छी बात है ना। अरे बर्नहार्ट की आत्मा से बात कर रही है। अबे सो जा यार, चलना यार, चलते हैं। आ जा। अरे आ जा। कहाँ है स्वाति? अरे अभी यहीं थी। पागल गई क्या? चल चल कर सोते हैं। हेलो, मुझे सुन पा रहा है? Hello? जोर से नहीं बोल सकता, सुनना। हाँ? तेरी मदद चाहिए। इतनी रात को? हाँ बोल। अगर किसी पे प्रेत आत्मा चढ़ गई है तो पता कैसे चलेगा? प्रेत आत्मा किसमें? मेरी फ्रेंड है स्वाति।
अच्छा वो स्वाति जो टीवी में बड़बड़ करती रहती है, हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। एक काम कर, सूर्य उदय से पहले ताजा गाय का गोबर ले गया, उसे पानी में मिलाकर देख उसमें उसका चेहरा दिखता है या नहीं। नहीं दिखा तो मतलब प्रेत आत्मा घुस गई। गोबर के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? क्यों, वहाँ तबेले नहीं है क्या? देख यार, मैं यहाँ मंदिर के उत्सव की तैयारी में जुटा हुआ हूँ, पहले कंफर्म कर कि आत्मा है कि नहीं। लेकिन अप्पू भाई, एक बार तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस व्हाट्सएप करता हूँ। अच्छा, यहाँ बहुत सारे झमेले हैं। पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, तू सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले गोबर लेके आना। ठीक है, गधे की पॉटी मत लाना, ओनली गाय का फ्रेश। हाँ ठीक है भाई, ले आऊंगा। ओके ओके। अरे 3 किलो चारा खिला चुके, अरे सनराइज का टाइम हो गया, अब तो कर दे। ओहो, जरूर इसने ब्लैक टी नहीं पी होगी। काउबॉय जी, क्या हुआ? ये काली चाय पीती है क्या? नहीं, सिर्फ कोल्ड कॉफी। अच्छा, मेरी फिरकी ले रहा है। अरे माँ कसम, बेहोश ना हो जाऊं, पता नहीं आगे क्या क्या करना पड़ेगा। अरे हेलो, क्या है उसमें? वाटर विथ फ्रेश गोबर, बेस्ट फर्टिलाइजर है ना। थैंक्स। क्या कर रहे हो? पीछे हटो, पीछे हटो। किसने बोला तुम्हें मदद करने के लिए? एक तो मैंने तुम्हारी मदद के ऊपर से तुम इतरा रहे हो, मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। कितनी बदबू आ रही है, दूर हटो मुझसे। चल जा यहाँ से। अरे यहाँ कुछ आवाज आई यहाँ से। इस गधे को पूछना। क्या? अबे बेसन का लेप। ये ना बेसन है ना मर्ड बात है, ये गाय का गोबर है। है ना, साबुन चाहिए? दूंगी, लेकिन नहाना बाहर के बाथरूम में पड़ेगा। ठीक है। अबे गोबर कहाँ से आ गया? चल मेरे साथ। मेरा हाथ छोड़, अब बता। सच बताऊंगा तो मजाक उड़ाएगा, नहीं बताऊंगा तो मेरा सर फट जाएगा। तो फिर मत बता। अरे मजाक नहीं कर रहा, सीरियस मैटर है। अरे क्या मैटर है? सुन, स्वाति 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 दिख रही है, लेकिन वो नहीं है। तो कौन है? स्वाति एक प्रेत आत्मा है। सच बता, किसी और को तो नहीं बताया ना? नहीं बताया, हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। ये अच्छा है, तू पागल हो गया है ना, इसको सीक्रेट ही रहने दे, मुंह भी मत खोलना। माइंड। अरे रुक ना, चल जा। सुनना, जा जाके गोबर धो ले। अरे यार मेरा कोई यकीन नहीं करता। सुदेश। हाँ, साबुन। हाँ, थैंक यू। मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ सुनूंगी, पहले नहाकर तो आओ। ए, अंदर नहीं, बाहर। वहाँ गर्म पानी होगा ना? ऑफकोर्स। ये लो टॉवल। अरे यार। ये कालू, जरा सुनना, गाना सुनाई दे रहा है क्या? अबे साइको हो गया तू। अरे सच बोल रहा हूँ मैं। अरे यार तुझे भी सुनाई दिया? सुनाई दिया? सुना। चल चल देखते हैं। ये भाई मैं नहीं आ रहा हूँ, तू जाना। तेरा बाप भी चलेगा। आवाज यहाँ से आ रही है ना? गुड बाय। रुक ना। अरे जोर की नींद आ रही है यार, मेरी तो उड़ गई है। अरे फैन ऑन रह गया। गाना बंद हो गया। हाँ चल सो जाए भाई, चल अंदर चलते हैं। चल चल चल, आजा उस तरफ।
अरे चल ना, ये कहाँ लेके जा रहा है? चल चल। क्या हुआ? कुछ आवाज आई मुझे। कुछ नहीं, दोनों लुका छिपी खेल रहे थे हम। आधी रात को? किसने बोला आधी रात को नहीं खेल सकते? तुम दोनों पागल हो क्या? डॉक्टर के पास लेकर जाओ तुम दोनों को। इसका दिमाग फिट है, जाके सो जाओ सब। चलो गुड नाइट। स्वाति तू भी जा। चलो चल के सोते हैं यार, सबकी नींद खराब कर दी। क्या झोले समझा क्या? अरे यार ब्लड। अरे गोपन भाई, मैं सच कह रहा हूँ, इस घर में ना भूत है पक्का। बात हल्के में मत ले यार, इसके बाप की कसम, इसकी माँ की कसम। हाँ। जो कुछ हमने देखा सब सच है। करेक्ट, अपनी आंखों से देखा यार, यकीन करना ही होगा। हाँ क्यों नहीं, कर लेता हूँ। तो पक्का ना? सुसु करने के बाद तुम पे यकीन करूं या फिर यकीन करने के बाद सुसु करूं? समझ गया, हमारे तो ले रहा है ना। चुप कर गधा कहीं का, यही बकवास सुनाने के लिए जगाया सबको? कब बड़े हो गए तुम लोग यार। आज के बाद अपनी ये बकवास सुनाने के लिए जगाया ना तो दोनों को गलत जगह मार दूंगा। बेवकूफ कहीं बस के। मारना ही तो बाकी। मेरे साथ आ अजीत, पूरी बात तो सुन तब समझ में आएगा। धार मार रहा है। हाँ। To detect a ghost, it's all abnormal activities and some ghosts. Wrong side है। क्या दिक्कत है? आत्मा को कैसे पहचाने, उसके पैरों को किस करो? अरे क्या बकवास साइड दे रहा है ये? अरे इंटरनेशनल साइट नहीं, लोकल साइट पे जा, लोकल भूत है, सब एक जैसे हैं। ये वाला? ये वाला? हाँ ये। ये कनेक्ट है। ये तो वही पानी है ना जो पादरी चर्च में उड़ाते? वो गुलाब का पानी? अरे नहीं रे इडियट, उसका एक नाम है। यस, होली वाटर। वीडियो चला? इससे क्या हो गया? क्या हो गया? ये लो तुम्हारा पर्स। अरे फिर से भूल गया था। अच्छा हर चीज थोड़ी ज्यादा लाना। विवेक आज टाउन की तरफ जाओगे? जाऊंगा ना, अजीत का कैमरा लाना है। मेरी ये दवाइयां ले आओगे प्लीज? ओके। हेलो, हटो हटो हटो, सब लोग हटो। ये सब क्या है? इसमें डेकोरेशन का सारा सामान है आज शाम के लिए। हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, तुम दोनों घर को सेट कर दो। ठीक है, पर ये सब लाने की क्या जरूरत थी? इतनी दूर से, इतने प्यार से बुलाया है, हैं? इतना भी नहीं कर सकते, सिर्फ खाने आए क्या? क्या कहती हो? अरे यार, अभी तक मिमिक्री करने की आदत नहीं गई तेरी। अच्छा ये दोनों निकम्मे कहाँ गए? हे सुधीश, ओए गोपाल, क्या कर रहे हो अंदर? अबे यो, चलना है कि नहीं? सुधीश, ओए गोपाल, अबे चलो यार। बुलाया क्या?
हमें किसी ने आवाज दी क्या? साथ में आ रहे हो ना? बोलो, हमारे साथ नहीं चल रहे? हमें कुछ जरूरी काम करना है। मैं भी मदद कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ ना। जाओ तुम लोग। अरे इनके पंगे ये लोग जाने यार। चल हम लोग चलते हैं। ठीक है बाय। चल 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 चल। ऐसे नाक में रुई डाली है, दफनाने आए हो क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फादर नहीं आए? फादर जब मैं 5 साल का था तभी छोड़कर चले गए, तब से उनकी शक्ल ही नहीं देखी। रे, पापा वाले फादर नहीं, चर्च वाले फादर। ओ चर्च वाले, वो तो गांव में गए हैं किसी की मद, मद किसी की म, म, क्या कहते हैं उसे, माँ से होता है वो, किसी की मदद करने गए, यही ना? हाँ वही, वो करते रहते हैं, मदद करने गए हैं। तो उनके असिस्टेंट? असिस्टेंट तो यही था कहीं। अरे मैं ही तो हूँ, क्या काम है? सुनिए, हमें यहाँ पानी मिलेगा क्या? किस तरह का? अरे वही जो डालते हैं ना, होली वाटर। अच्छा वो चाहिए क्या? क्या वो कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है जो हर किसी को दे दूं? अरे इधर आइए जूनियर फादर, पता है तुम्हारी सैलरी पादरी से भी बहुत कम है कि नहीं? क्या मनी मनी शर्माती है। एक बोतल का 500, टोटल हुए 1000। कितना? 1000 दे दो। सच कहूं तो पता नहीं था कि तुम पूरी की पूरी मुर्गी हलाल कर जाओगे। एन, आते समय सेलो टेप ले आना प्लीज। ओके लाती हूं। अरे पानी फेंक, क्या करें? अबे डालना, जाओ जाओ। अबे ये क्या
बदतमीजी है। तुम्हारे अंदर प्रेतात्मा नहीं है? मेरे अंदर नहीं है, एन में है। एन के अंदर? हाँ। मेरी बात का यकीन करो, सच कह रही हूँ। फिर वो भूतिया गाना कैसे गा लिया? और उस रात बर्नार्ड के साथ क्या बात कर रही थी? कि क्या कह रहे हो? हाँ। और अब तुम मेरे घर वालों को भी दुखी कर रहे हो? क्या इसका कोई अंत नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हाथ उठा सकते हो? तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया था? अरे बेवकूफ, मैं उस दिन अपने हस्बैंड से फोन पे बात कर रही थी और कुछ नहीं। रही बात उस गाने की, तो पहली बार मैंने उसे एन को गाते सुना था। उसने कहा किसी पुरानी फिल्म का सॉन्ग है। ओके, चल, बात समझ में आ गई। लेकिन रात में एक साथ अंदर और बाहर देखा उसका क्या? अरे मैं सच कह रही हूँ गोपाल, कल रात को मैं अपने कमरे से बस पानी पीने के लिए निकली थी। मुझे लगता है कि हमें अजीत को बताना चाहिए। मैं तो पहले ही चार गालियाँ सुन चुका हूँ, हमें पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। तरीका है ना, होली मोटर छिड़के। नहीं नहीं, ऐसा करना रिस्की हो सकता है। हमें किसी ऐसी चीज पे पानी छिड़कना चाहिए जो वो इस्तेमाल करे। उसके टच करते ही पता चल जाएगा। ये दिमाग वाली बात है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमने किया है। किस चीज पर छिड़केंगे? अरे सोचने दे। अच्छा हुआ दो बोतल लाए थे। क्या हुआ, सब बाहर क्यों खड़े हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। अबे, तेरा नाक अभी तक ठीक नहीं हुआ? अभी सूंघ पा रहा हूँ। रुई निकाल यार, दोनों के दोनों निकम्मे कहेंगे। चलो चलो गाड़ी में से सामान निकालो, ये ले। क्या था ये? क्या हो गया इसको? इसे कैमरा मिल गया इसलिए गुस्से में है। रिपेयरिंग वाले की तो जान ले ली थी इसने, तो अब सामान निकालें। हाँ। ये लो, अंदर ले जाओ। जो मंगवाया था सब ले आया हूँ, तैयारी हो चुकी है ना? आओ खुद देख लो। अच्छा लाओ, वो मुझे दो। चलो अंदर चलते। वाह, ये सब किसने किया? अच्छा है ना, बढ़िया है। चलो तैयार हो जाते हैं। चल चल चल। तुम लोग क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे कंफर्म करने के लिए। कहाँ हो लिटिल कृष्णा, रक्षा करो। ए, चाहे कुछ भी हो जाए बस स्माइल करते रहना। हाँ, okay. हाँ। कहाँ रह गई है सब के सब? पता नहीं कहाँ जाएंगे, तैयारी कर रहे थे। ये लो, रख दो। ये लो, ये चाकू भी आ गया। मेम साहब को बुलाओ। ओके एन, तुम रेडी हो गई? मैं मिस इंडिया लगती है। अबे चुपचाप बैठ। अरे भाई इस तरफ आओ। चलो भाई शुरू करते हैं। हाँ हाँ। क्या हुआ एन, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे डर क्यों गई? हाँ क्या हुआ एन, मुझे बताओ ना, इतनी घबराई क्यों लग रही हो? एन बोलोगी? एन मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसे कैसे? अरे यार ऊपर से ये बिजली भी नहीं है। एन तुम ठीक तो हो ना? ए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अरे यार उसने बोतल देख ली। ये ले भाई, अब काटो। हाँ। अरे पर बिना लाइट के कैसे काटूं? बिना लाइट के तो समा बना है, दोनों मिलके काट दो, कैंडल लाइट में रोमांटिक लगेगा। हाँ।
पहले कैंडल तो बुझाओ। छुरी पकड़ी तो लाइट चली गई, अगर कैंडल बुझी तो लाइफ चली जाएगी। क्या हुआ? अरे क्यों चिल्ला रहा है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे भूल गए क्या? बर्थडे नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी है। इनको छोड़, तू केक काट यार। अफीम खानी शुरू कर दिया क्या तुम लोगों ने? क्या कहानी, जब मैंने पहली बार बताया तब मेरा यकीन नहीं किया था, तो ये दोनों भी कह रहे हैं इनकी तो बातें मानेगा ना। बोलो, बोल दो ना, तू ही पूछ, पूछ ना इनसे। स्वाति ये लोग तो पागल थे, तुझे क्या हो गया? अजीत ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात इसके भेजे में क्यों नहीं घुसती? सारे के सारे लोग मारे जाएंगे, एक तो यहाँ पर आत्मा है और तू हमको रुकने के लिए। जब ये भी फेस टू फेस देखेगा ना तब समझेगा। तो रात से सोया नहीं मैं, फिर से उल्टा पहन लिया। मैं तो यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, मेरे हाथ में उसने वो बोतल भी देख ली। मैं कल्टी हो रहा हूँ, आना है तो आ जाओ, माँ कसम दोनों साइड से उल्टा है क्या? अभी यहाँ से कोई नहीं जाएगा। कल सुबह आराम से राजी खुशी उन्हें गुड बाय कहकर जाएंगे, और जाते जाते उन दोनों का मूड मत खराब कर देना। ये सोच के देखा है कि इतने दिन से उस आत्मा ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो अब क्यों बिगाड़ेगी यार? चुप करके बैठो, उसकी बकवास मत सुन, चल पैकिंग कर। अगर ऐसे ही चले जाएंगे तो विवेक को बुरा लगेगा, उसकी एनिवर्सरी। तो क्या करें? कुछ भी नहीं, बस कल सुबह तक वेट करेंगे। ओके, इस पैंट को जला डालूंगा। ये तो सो रहा है। हाय। हाय। कल जाने के लिए हाँ बोला और अब अकेला भाग रहा है धोखेबाज। धोखा नहीं दे रहा था, तुझे उठाने से पहले सबको चेक कर रहा था। सब समझता हूँ, अब चले। लेकिन अपने साथ स्वाति को नहीं ले जाएंगे क्या? नहीं रे, शांति से सो रही है, वैसे भी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सुना है कि नहीं? इस सब पे विश्वास करता है तू? पता नहीं, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उस पे विश्वास करता हूँ। अरे ये तेरे हाथ में क्या है? अरे ये तो उस आत्मा को डराने के लिए है, बताना कौन सा बेटर है, या फिर ये वाला? हाँ ये वाला ज्यादा ठीक है। ओके, भूतनी बुद्धू है, बहुत मारने को नहीं जानती होगी, ये बेटर ऑप्शन है। सही है, दरवाजा बंद कर। चल 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 धीरे। वापस चलें क्या? अबे ये है ना हमारे साथ, कम विद मी। ये तो वही केक है जो उसने खाया था। गुड नाइट, गुड नाइट, नाइट। चल 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 वापस चल, गुड नाइट, चल ना। इतना कुछ देखने के बाद भी नींद कैसे आ जाती है? ये देख, ये नींद की दवाई है क्या? लगता तो है। हाँ बता जरा, इसलिए इतना आराम से सो रही है? अरे पानी तो पी ले, भूत कब आके गया पता नहीं चलेगा। चल क्या, क्या लगाना? पागलपन है, ला इधर, रक्षा कर, रक्षा कर कृष्णा। चल सो जा। अरे यार मैं नहीं आ सकता, इसलिए तो मैंने इंचार्ज बनाया था तुम्हें, मैं नहीं होता तो कोई काम ही नहीं कर पाते तुम लोग। ए रहने दे, जस्ट वेट, एक घंटे में आ रहा हूं। ओके, क्या हुआ? प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ही नहीं हो पाई। इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है, तुम वहां जाते ही सब ठीक कर दोगे। ऐसी बात नहीं है एन, ये सब आज जा रहे हैं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, उन्हें कुछ दिन और रुकने की कोशिश करते हैं, क्या कहती हो? पूछ कर देख लेते हैं ना, लेकिन क्या ये सही होगा? मतलब उनके भी तो कुछ प्लान होंगे ना, सब अपने जरूरी काम छोड़कर यहाँ कितने दिनों से रुके हैं। ऐसे में और ज्यादा रुकना। तुम सही कह रही हो,
तुम्हारा दिल तो कभी नहीं भरेगा, वो फिर आ जाएंगे। जल्दी लौट कर आना। ठीक है। एक भी फोन काम नहीं कर रहा है यार, दुनिया से कांटेक्ट ही टूट गया है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब मैंने क्या कर दिया है? आओ ना। अजीत की बातों में नहीं आती तो हम कल ही निकल जाते। एक किस दो ना। इसको किस देता हूँ, ये ले किस। सॉरी, गलत घर में आ गया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। तू पड़ोसन को चुम्मी दे रहा था ना, यहाँ अजीत चकमा देके भाग गया। भाग गया? हाँ। वो ऐसे भागने वालों में से तो नहीं। किधर गया? अब मुझे क्या पता, तुझे जल्दी है तो तू अकेला क्यों नहीं जाता? समझदार है, कल ही जाने की बात की उसने। जाने की तैयारी हो गई? हाँ, हो गई। तुम सब बहुत अच्छे हो। अगर मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो तुम लोगों की लाशें भी नहीं मिलेंगी। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहां से। यहां रुकने के बारे में सोचना भी मत। विवेक रोके तब भी नहीं। जी जी जी, जी सब। बोलो तुम मैडम। सुनो, अगर विवेक को कुछ बताया तो बहुत बुरा होगा। चाय ठंडी हो रही है। सॉरी सर, हड़ताल होने की वजह से हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाए। लेंस को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है, कैमरा पहले से भी अच्छा काम कर रहा है, क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। अब तुम्हें से कोई भी शिकायत बस करेगा? बस इतना ही। रुक क्यों गए? हाँ, तो आ गए तुम। कहाँ गए थे इतनी देर से? कुछ नहीं, ये कैमरा लेने गया था। आपसे मिले बिना तो जा नहीं सकते, इसीलिए। पता है, सुबह से सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। विवेक ने बताया कैमरा लेने गए हो। अच्छा, वो है कहाँ? कह रहे थे कि कुछ काम है इसलिए फार्म पर गए हैं, आते ही होंगे। ओह, इतनी सुंदर जगह पर एक भी फोटो नहीं ले पाए हम लोग। अच्छा, एना आपकी फैमिली कहाँ पर है? क्या कुछ कहा? फैमिली? ओ हाँ, पापा और मम्मी यूएस में हैं, मैं और मेरी बहन यहाँ रहते हैं। वो आपको कभी फोन नहीं करते? जब विवेक के बारे में पता चला तो वो मिलने आए थे, बहुत ज्यादा टेंशन में थे। उसके बाद मैं और विवेक वहाँ से निकल गए, वो लोग मेरी बहन के साथ रह रहे थे। फिर हमने कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, वरना जिस तरह हमने आपको डिस्टर्ब किया वो लोग भी आपको डिस्टर्ब करते रहते। अजीत, मुझे फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या प्रॉब्लम है आप? एक बार कह दिया ना, मुझे पसंद नहीं है। अरे, कहाँ मर गया था? कब से सामान पैक करके तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चलते हैं। क्यों जाना है? अबे क्यों, क्या कल रात की बात तू भूल गया क्या? देखो ना स्वाति, ये क्या बक रहा है। अजी, हमें काफी दिन हो गए यहाँ आए हुए, अब हमें घर जाना चाहिए। किस चीज का इंतजार है? कहाँ जाना है? यहाँ से निकलना है, यहाँ घर बसाने का इरादा क्या? उफ, माय डियर भोंदूलाल, यहाँ क्या हो रहा है उसका 1% भी अंदाजा नहीं है तुझे। मुझे किसी भी बात का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं। ये कैमरा की प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी फोटो में दिखती ही नहीं है। और इतना ही नहीं,
मैंने जब उसकी फोटो खींचने की कोशिश की तो उसने मुझे रोक दिया। वो बहुत डर गई थी। तुम लोग सही कह रहे थे, यहाँ कुछ तो है। शुक्र है, हमारी बात पर यकीन तो हुआ। अब चल निकलते हैं। तुम लोग निकल जाओ, मैं नहीं जाऊँ। यहाँ रुकना मतलब सुसाइड करना, मरेगा क्या? जब तक विवेक मुझे सच्चाई नहीं बताता मैं कहीं नहीं जाऊँ। यहाँ पर रुकने का एक ही मतलब है, आत्मा से दुश्मनी ली तो जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। डर के मारे खुद गर्ज हो गया तुम। हमारा दोस्त इतनी बड़ी मुसीबत में है, उसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम लोग? फूटी किस्मत जिसको जो करना है करो। गोपाल, अजीत जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे हालात में विवेक को अकेला यहाँ छोड़कर जाना बिल्कुल ठीक नहीं। सुदेश तुम भी। हम सबकी एक ही प्रॉब्लम है, विवेक को सच बताने की हिम्मत नहीं है, बस इतना ही। अगर बता दे तो मैं ही बता देता हूँ। नहीं नहीं, उसे ऐसा मत कर, उसे ये गलत है। नहीं होगा, बात बात छोड़, रुक जा। ये ऐसे रो क्यों रहा है? पेट में हेडेक हो रहा है। सुदेश कहो तो दवाई दे। दवाई किस लिए? पेट एकदम मस्त हो गया, एकदम टकाटक। सच में? कसम खा के बोलता हूँ, तुम्हारी कसम। ए, सब ठीक है ना? सच सच बता। फिट एंड फाइन है। ये लो, हमारे बागान की चाय है, बेस्ट वन, एकदम फ्रेश। ये क्वालिटी हम सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हैं। कब निकल रहे हो तुम लोग? देखिए यार, हम सोच रहे थे दो दिन और रुक जाते हैं, क्या कहते हो? तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली यार, सच में मजा आ गया। तो फिर एन, ये चाय दो दिन बाद लेता हूं। घबराओ मत, आपको दिक्कत नहीं होगी। किस तरह की दिक्कत? उम्मीद है तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो डिसाइड हो गया, आजा यार, तेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी। किस बारे में? अरे चल तो, सब बताता हूँ। हाँ चल। सॉरी जी, कल ही निकल लेंगे सच में। तुम्हारी डिसीजन से मैं बहुत खुश हो गया यार, सच में मजा आ गया। अच्छा बता, क्या बात करनी थी? दरअसल वो क्या है कि कौन चिल्लाया? किसकी आवाज थी? क्या हुआ? स्वाति, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, एन कहाँ है? चिल्लाया कौन? एन कहाँ है? पता नहीं। एन, 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 अरे क्या हो गया? एन, क्या हुआ? पैर फिसल गया, नीचे गिर गए, शायद मोच आई है। पहली बार पता चला कि वो छुड़ैल है, तभी मैं यहाँ से निकलने वाला था और बाहर जाकर भगवान को 5 नारियल का चढ़ावा चढ़ाने वाला था, लेकिन तुम लोगों में खुजली थी। अभी भी वक्त नहीं गया, निकलो यहाँ से वरना वो अंग्रेजी भूत नहीं। कैसे पता? वो ऐसे ही नहीं गिरी है, उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसे पता चल गया था कि मैं विवेक को सच बताने वाला हूँ। एन मौके पर वो चिल्लाई और विवेक मुझे छोड़कर उसके पास चला गया। अच्छा, कितने नारियल चढ़ाने वाला था? 5, जिसका पैसा तुम लोग भी दोगे। तेरी खोपड़ी पर एक नारियल फोड़ूंगा। नौटंकी करना बंद करोगे प्लीज? किसी के पास कोई प्लान है तो बताओ। कुछ तो करना ही पड़ेगा, सोचते हैं। फिक्र मत करो, अब दर्द कम है। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो दर्द मुझे भी होता है। क्या सोच रही हो?
कुछ भी तो नहीं। कोई टेंशन है क्या? थोड़ी देर आराम कर लो, मैं अभी आता हूं। विवेक, लव यू। लव यू टू। जब तक उसे खुद एहसास नहीं होता कि कुछ तो गड़बड़ है, उसे कुछ भी बताने का फायदा नहीं। क्या यार, मामला हक्का नूडल्स से ज्यादा उलझा हुआ है। नूडल्स नहीं, रायते की तरह फैला है। तू चल रख। देख यार, सबूत के नाम पर हमारे पास सिर्फ ये फोटोज हैं। हमारे पास इन्हें दिखाने के अलावा ऑप्शन ही क्या है? करेक्ट। तू सुदीश को लेके जा, उसको तू किसी भी तरह कन्विंस कर दे, पर वो भूतनी तुझे ऐसा करने देगी? बिल्कुल सही कह रहा है। इस सब के लिए हमें विवेक से अकेले में मिलना होगा। ओह, तो सारी मंडली यहाँ बैठी है। मैं सबको रूम में ढूंढ रहा हूँ। हम लोग तो बस ऐसे। ये बता, एन कैसी है? वो ठीक है, अब कमरे में आराम कर रही है। और हाँ, हमारी बात बीच में ही रहेगा यार। बताना तो बहुत कुछ है, उससे पहले जरा ये फोटोज देख ले। नाइस पिक्चर्स यार। क्या? हाँ, रास्ते में खींची थी क्या? दिखा मुझे, ले। विवेक। हाँ, एन, ये क्या हो गया? ये सारी फोटोज डिलीट हो गई यार। क्या हुआ एन? वो अकेले में डर लग रहा था। मैं जरा एन के साथ हूँ। हाँ। आओ चलते हैं। भाई, एक ऑप्शन तो गया हमारे हाथ से। किसी के पास कोई प्लान भी है? कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अलादीन के चिराग ने फोटो तो गायब कर दी है ना। सिर्फ उसे प्रॉब्लम बताने से बात नहीं बनेगी, हमें एन की भी मदद करनी है। एन को उस आत्मा से बचाना है ना। कोई आइडिया खुदा करा है? जरा सोचो कि बर्नार्ड की जो आत्मा है वो एन के शरीर में, तो फिर एन की आत्मा कहां पर है? सोचने वाली बात है, यहां खड़े होके सोचते रहो। रक्षा कर, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब जगह माथा टेकूंगा। हमें बचा ले आज, ये भूतनी मेरी तरफ ही आ रही है, इसको लंगड़ी बना दे। हालेलुया, जय श्री राम, या अल्लाह मेरी रक्षा कर, हम सब की रक्षा कर। इरादा क्या है तुम्हारा? तुम्हारा काम यहाँ खत्म हो चुका है, रुकने की कोई जरूरत नहीं। हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। विवेक को सच्चाई बतानी जरूरी है, वो मैं बता के रहूंगा। मुझे रोकना चाहती हो तो मुझे मारना होगा। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर विवेक से अलग होना पड़ा तो उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। जो उसके सामने अपनी ताकत आजमा रहा है। चैलेंज देने की क्या जरूरत है? मरना है तो जाकर अकेला मर। हाँ, मर जाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। मैं विवेक के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम तो नाम के दोस्त निकले। अरे, हमारा वो मतलब नहीं था यार। दोस्त, हम भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन यहाँ रुक के हम क्या कर पाएंगे? अजीत, जरा सोच के देखो ना, अगर हम यहाँ से सुरक्षित निकल पाए तभी उसकी मदद कर पाएंगे। किसी ऐसे आदमी को लाना होगा जो आत्माओं को समझे। हाँ यार, मदद करने के लिए यहाँ से निकलना होगा। विवेक भी सेफ रहेगा, सालों से आत्मा ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। अरे सोच क्या रहा है, हमारी बात मान जाना, हम किसी तांत्रिक बाबा को यहाँ लेके आते हैं। तो क्या डिसाइड किया तुमने?
जा रहा है, बस 10 मिनट के अंदर ही सामान बाहर। नहीं, जब तक मैं ना चाहूं कोई यहाँ से नहीं जा सकता। अरे भूत नहीं होगी तो अपने घर पे मुझ पे दादागिरी मत करना। मैडम पहले जाने को बोला, अब रुकने को बोल रही हो। जो भी एक बार बोल दो हम रुके हैं कि जाएं। मैं जानती हूँ तुम क्यों जा रहे हो, किसी को अपने साथ लाने वाले हो, इसलिए अब रुकना पड़ेगा। अरे मुझे क्यों अकेला छोड़ रहे हो? दरवाजा क्यों बंद रखा था यार? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। डिनर करना है कि नहीं करना है? हाँ हाँ करना है ना, तो आओ ना। खाना तैयार है। क्या हुआ? कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो खाना खाते हैं। तुम लोग चलो, हम लोग आते हैं। जल्दी आ जाना ठीक है। एक बात तो सौटा का कंफर्म हो गई, उस रात इसी को देखा था, स्वाति बन के हमको डराया था। वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करना है? चल चल साइलेंस मोड में डाल। अबे कार है मोबाइल नहीं। अरे भूत नहीं आ जाएगी, चलना। अबे तेरी बहुत फट रही है, गाड़ी निकालना। हाँ। अरे पागल गाड़ी क्यों रोक दी तूने? अरे मैंने नहीं रोकी। अरे कम से कम गाड़ी तो स्टार्ट कर यार। स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे दरवाजा कैसे बंद हो गया? गोपाल फिर से ट्राई कर, घबरा मत, चाबी घुमा, गाड़ी स्टार्ट कर। नहीं हो रही, क्या करूं? एक्सीलरेटर दबाना। चल चल। मना किया था ना, मत जाओ। गोपाल रिवर्स क्यों जा रहा है? लगेज कल ले आएंगे। ये मत समझना कि तुम जीत गई, ये तुम्हारे बाप की जेल नहीं है जो हमें यहां कैद करके रखोगी। अब भगवान ही हमें रास्ता दिखाएगा। आप कौन है? देख के आपको समझ में नहीं आया कि मैं एक शुद्ध ब्राह्मण हूँ? नहीं नहीं, इसे देखिए, ब्राह्मण की पहचान जनेऊ। ओके, ये बर्नौल बंगला, मतलब बर्नार्ड बर्नौल नहीं, बर्नार्ड बंगलो। बर्नार्ड बंगलो, सही का। ये वही है ना? हाँ ये वही है। सुदेश अंदर है? वही जिसका अपना ढाबा है। अपनी तारीफ बताएंगे? माई सेल्फ अप्पू पंडित, 24 कैरेट ब्राह्मण। बाकी तारीफ अंदर चल के करूंगा। आइए अंदर आ जाओ, इसे अपने ही घर समझो। यहाँ फ्रिज इतनी ठंडक है। अरे अरे शर्मा मत, यहाँ आके बैठ जाओ। सुदेश हेलो, देख कौन आया है, कम इन फास्ट। आप कौन से शहर से? कोल्हापुर से। वहाँ उनकी तो बहन का बेटा हूँ, अप्पू, अप्पू द पुजारी। धागा देख कर समझे नहीं आप, जनऊ जनऊ। तो वो वहीं रहते हैं अभी? वो वहाँ नहीं रहते, समुद्र में तैर रहे हैं वो। क्या? अपने रिश्तेदार की अस्थियां मारे गए थे लेकिन खुद ही बह गए। कहीं उसकी बॉडी गलती से मिल गई ना। तो स्विम करते करते मुझे उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। और गलती से पैर फिसल गया तो क्या? आप कौन है? मेरे प्रिय मित्र सुदेश, अगरबत्ती की तरह पतला हो गया है तू। ये चिंपैंजी कौन है, कहाँ है वो? इनसे परिचय हुआ कि नहीं? हाँ, इन्होंने खुद ही बताया। अंदर ले जाता हूँ, वही बातें करूंगा। अंदर जाके गप्पे लड़ाते हैं। ठीक है तुम रेस्ट करो। मेरी सामग्री वाली बैग तू ले ले भाई, मेरा किट उसमें है। ठीक है बाद में ले लेंगे।
कौन है वो? सुधीश के कोई कजन है। ओ, यहाँ क्यों आए? नहीं पता, चलो चलकर चाय बना। अरे आते ही मरवा देता, उसे प्रेत आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे मुझे नहीं पता कि उसे नहीं पता। ये कौन है बे? फ्रेंड कम कजिन ज्यादा, भूतनी को भगाने आया है। मुझे टच मत कर, मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ, सारे औजार पोटली में है, 5 मिनट में उससे गायब कर दूंगा, चुड़ैल उड़न छू हो जाएगी। मजा आ गया, ये इसको ऑनलाइन ढूंढा क्या? ये मेरा कजिन है। नाम क्या है आपका? मैं हूँ अप्पू पंडित, शुद्ध ब्राह्मण, 24 कैरेट प्योर। चल हट, मुझे भी लगा ये एक के साथ एक में फ्री नहीं आई होगी। क्या डाल दिया मुझ पर? शमशान घाट की राह, शमशान घाट की राह, पीछे जैसा काम पागल हो क्या? मुझे फिर से रहना पड़ेगा, ये चुड़ैल का छिपी है बताना यार। ये तो बहुत गुस्से वाली है, पता नहीं कौन से फटीचर साबुन से नहाती है। चाय? चाय पीने के बाद नहाऊंगा, पंडित लोग रूल्स तोड़ सकते हैं। फंटास्टिक चाय। तुम्हारा नाम क्या है? एन। सुंदर नाम है, तुम बिल्कुल फिकर मत करना, आज के बाद वो चुड़ैल तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। ओके, ब्राह्मण हूँ, 24 कैरेट प्योर। चाय लीजिए ना, बहुत अच्छी है, एक कप और लेकर आओ। लगता है ये भूतनी चाय की टपरी चलाती है, देखा नहीं, जो आए उसको चाय पिलाती है। मित्र सुदेश, ये कन्या कौन थी? बहुत ही सभ्य और संस्कारी है। प्यारी है, पता नहीं चला क्या उसी के अंदर प्रेत आत्मा है। मर गया। इतना पता चला है कि ये आत्मा हिंसक नहीं है, यानी डरने की जरूरत नहीं। परंतु समस्या कुछ और ही है। मतलब? भस्म की राह खत्म हो गई। आत्मा समझकर मैंने इसी पे फेंक दी, बाल खुले रखकर ये पूरी चुड़ैल लग रही थी। प्रेम पुजारी जी, इतनी दूर आए तो एक्स्ट्रा स्ट्रोक लाना चाहिए। सपना नहीं आया था कि यहाँ पे एक से ज्यादा चुड़ैल हैं। एक काम करते हैं सुरेश, प्रेत आत्मा से प्रेम से बात करके उसे ज्ञान की गुट्टी दूंगा, फिर भी अगर वो नहीं मानी तो उसे डराऊंगा, धमकाऊंगा, फिर 100% भाग जाएगी। पंडित जी, इतना आसान काम होता तो हम कर लेते। ये बर्नार्ड की आत्मा आम आत्मा नहीं है। उस अंग्रेजी आत्मा को थोड़ी बहुत हिंदी तो आती होगी। आपकी बात समझ गए। बस अब देखना मेरा देसी कमाल। तू साथ चलेगा? मैं वहाँ क्या करूंगा? बिल्कुल सही कहा, तुम लोग यहीं रहना, मेरे तंत्र मंत्र देखकर तुम डर जाओगे, आत्मा सुदेश और मैं साथ में रहेंगे और मेरी विद्या मेरी रक्षा करेगी। फॉलो मी। चलो, क्या करने वाला है? हाल्ट, हाल्ट, हाल्ट। देखो अंदर है कि नहीं, जा चेक कर। मैं जाऊं? अरे जाना। ओके, एक मिनट रुक जा, जल तू जलाल तू गोइंग। अंदर है क्या? वो अंदर चाय बना रही। अंदर है, तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ। फट, चल हट, चल चल चल, हट हट हट। आओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत के किचन में आ गए। किससे बात कर रही थी? आखिर तुम किससे बात कर रही थी? देखो, जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, वहाँ की सारी चुड़ैलें भाग जाती हैं। तुम्हें मैं अपने गांव का एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारे गांव में एक जागीरदार थे, महिपाल सिंह। उसके बेटे को नौकरानी से प्यार हो गया। पिता को पता चला तो उसने गुस्से में आके नौकरानी को जिंदा जला दिया। उसके बाद नौकरानी की आत्मा ने दिव्या के शरीर को वश में कर लिया। मेरे मामा राजन ने उस आत्मा को भगा दिया। मेरे मामा बड़े तांत्रिक थे, उन्होंने सारी विद्या दी मुझे। गुरु गुड़ रह गया और उनका चेला चीनी बनकर द ग्रेटेस्ट तांत्रिक बन गया। मुझे टॉर्चर वाला तंत्र मंत्र करने पर मजबूर मत करना। गुस्सा आ रहा मुझे, मेरा क्रोध जागने से पहले इसका शरीर त्याग दो। देखो, बातचीत का वक्त खत्म हो गया, अब तैयार हो जाओ।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचै ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचै क्या हो गया? मैं पूरा का पूरा शुद्ध ब्राह्मण हूँ, पूरा 24 कैरेट प्योर। इसने मेरी विद्या की वाट लगा दी। अरे उठाओ मुझे बालकों, उठाओ। अरे मर गया, अरे अंजर पंजर ढीले कर दिए। मर गया, मर गया, मैं तो मर गया। अबे गधे, मैं पहले से इतना डरा हुआ हूँ, मुझे और क्यों डरा रहा है? क्या हुआ था वहाँ? प्रेत आत्मा वहाँ प्रकट हुई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अब इंडिया छोड़ के चली जाए। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। इतनी दूर रिक्वेस्ट करने को आया क्या? अरे भगाना था उसे, अगली बार वही करूंगा। करने को आया है, खुद को तांत्रिक बोलता है। मुझे अभी घर जाना है। घर जाओगे जैसे कि वो जाने देगी। शुक्र मनाओ कि आप जिंदा हो। मुझे कोरोना हो रहा है, कुछ करो ना। सच बोल, यहाँ क्या कर रहे हैं? पूगल बाबा पे छाट छाट के देखा, ये जगह कितनी सुंदर है। छुट्टी मनाने आया था, किसे पता था ये चुड़ैलों का घर है। इसका मतलब यहाँ छुट्टी मनाने आया? दान पेटी से पैसे भी चुराए। अच्छा ये सब छोड़, राजन मामा कौन है बता? मुझे मारोगे नहीं ना? भूतनी को मामू बनाने के लिए मामा की झूठी कहानी सुनाई। कहानी? ये कहानी भी मुझे सपने में आई थी। प्रेत आत्मा चुड़ैल की विद्या में जीरो हूँ। क्रियाक्रम पूरा आता है, मंत्र भी आते, मतलब सीख रहा हूँ। चिरकुट है मित्र सुदेश, मेरा बैग समंदर में फेंक दिया। ये आवाज तुम्हें कर रहा हूँ, मेरा बैग, मेरा बैग। ये रहा मेरा बैग। एक भी बैग नहीं बचा। घर में चुड़ैल होगी तो और क्या होगा, और ये तीनों तो घोड़े बेच बेच के सो रहे हैं। टाटा बाय बाय, मैं आप सबका फ्री में क्रियाक्रम कर दूंगा, चलता हूँ। देख अप्पू भाग रहा है। जाने देगा, देखो बाहर लेडी वॉचमैन है, चल तू सो जा। कहाँ जाने की तैयारी है? मुझे घर तक उड़ा के छोड़ देगी क्या? उठ जाओ। उठो। क्या हुआ पुजारी जी, रात को यहीं पर सो गए? मैंने कल प्रेत आत्मा से मीटिंग की और उससे कहा कि एन के शरीर को छोड़ दे। उसने तुम्हारी बात मान ली? उसने कहा कि ना वो शरीर छोड़ेगी ना कभी मुझे ये घर छोड़ने देगी। चुड़ैल की रसोई में कुछ खाने को हो तो मेरे कक्ष में भेज देना, और हाँ चाय बिल्कुल मत भेजना। एक्सक्यूज मी, लेट मी गो। तुम्हें क्या हो गया? जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अपने गाँव जा रहा हूँ। गाँव यहाँ रह के भी क्या उखाड़ पा रहा हूँ? हम में से किसी में हिम्मत नहीं कि विवेक को सच्चाई बता पाए। मैं तो जा रहा हूँ। अबे ऐसे येड़ा मत बन, वो जाने देगी क्या? क्या करेगी, मार डालेगी तो मारने देना। किडनैप होकर बैठने से तो अच्छा ही है कि मैं मर जाऊं। देख सब ठीक हो जाए। तू तो कुछ बोली मत, तेरी जिद की वजह से हम सब फंसे हुए हैं। कल अप्पू को मारने की कोशिश की, क्या गारंटी है कि कल हम सबको नहीं मारेगी? तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं तेरी तरह अनाथ नहीं हूँ। बहुत हुआ, अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। सुदेश एक बार बात तो, ये क्या कर रहा है? कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ और जाके ही रहूंगा। कहा था ना कोई नहीं जा सकता, लेकिन मेरा जाना जरूरी है। देखो किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ना कभी लौट के आऊंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा। सुदेश, दरवाजा खोलो।
सारी ताकत आजमा ले, मगर मैं सुबह विवेक को सच बताकर उसे अपने साथ यहाँ से ले जाने वाला हूँ। इसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। सुदेश, सुदेश क्या हो गया तुझे? सुदेश, ठीक हो? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। ठीक तो है ना तू? हे, एकदम फिट एंड फाइन, बस थोड़ी कमजोरी है और कुछ नहीं। इसे इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। वो गधा जो भूत को पकड़ने आया था वो खुद तो पड़ा हुआ है, इतना शोर सुन के भी कमरे से बाहर नहीं आया। विवेक आएगा तो घर में शांति हो जाएगी। बात तो सही है, हाँ लंबी उम्र है। अरे विवेक, हाँ यार इतना लेट कैसे हो गया? अरे यार क्या बताऊँ, इतना बिजी हो गया था, सुबह से बोर्ड मीटिंग की तैयारी में लगे हुए थे, मीटिंग खत्म होते होते लेट हो गया। अब उनसे सैलरी लेता हूँ तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बाकी सब लोग कहाँ हैं? हाँ सब लोग रूम में, वो बस हाँ? तुम्हें विवेक जाओ पहले फ्रेश हो जाओ। यार यू कैरी ऑन, मैं 5 मिनट में रेडी होके आता हूँ। तू ठीक तो है ना? सुदेश, सुदेश, कुछ बोल क्यों रहा है? ठीक है ना तू? ठीक है। सुदेश क्या हो गया बताओ? डॉक्टर को बुलाऊं? सुदेश? नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू ठीक नहीं है। हम यहां से निकलने वाले हैं। पता नहीं यार अचानक कैसी हालत हो गई। अरे सुधीश इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं।
उठाओ इसे, चलो 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 जल्दी। अरे गोपाल जल्दी करो ना, चल जल्दी। सुदेश सब ठीक हो जाएगा। चौबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो ठीक है ना? ए सुदेश, सब ठीक है? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तू पर्स लेकर आया क्या गोपाल? नहीं। अरे विवेक, तेरे पास पैसे हैं क्या? एन, सर मेरा वॉलेट लेकर आओगी? टेबल पर रखा है, जल्दी जाओ ना। अभी लाती हूँ। जल्दी लेकर आ। ए सुदेश, कुछ नहीं होगा ओके? हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, घबराओ मत, सब ठीक होगा ओके? बस थोड़ी देर और आराम से, हम तुम्हारे साथ हैं ओके? अरे मैं अपना मोबाइल छोड़ा है यार, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ, रुक जा। हाँ सुदेश, पता नहीं यार, मैंने अपना पर्स ले लिया। चल गोपाल गाड़ी निकाल, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी। सुदेश सब ठीक हो जाएगा। गेट पार कर दिया, पार कर दिया। क्या? क्या बोला? नहीं वो रोड पर आ गए, अब जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या भूल गए? वो अपने पंडित जी रह गए। दीदी, दीदी कहाँ चली गई? मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, ना भागना चाहता हूं, बस पेट में चूहे कूद रहे, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। दीदी आप सुन रही हैं? आपकी चुप्पी को हाँ समझूं? अच्छा अपने आप ले लूं? ओके देखिए जा रहा हूं, मुझे परेशान मत कीजिएगा। कहां गई दीदी? घर में ही है ना दीदी? आप यहां हैं दीदी? आप जवाब क्यों नहीं देती? दीदी आप यहां हो? ये दरवाजा मैंने क्यों खोला? गोपाल आराम से।
चलाना। अरे अब रुक गई, बात क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी, पता नहीं क्या हो गया। डैम इट, सब लोग गाड़ी से उतरो, जल्दी करो, उतरो। क्या कर रहे हैं? अजी हो क्या रहा है? चल मेरे साथ, जल्दी कर, चलो चलो सब लोग उस तरफ चलो चलो। अरे पर बताओगे? चल 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 मेरे साथ, चल क्या रहा है? अरे तू चल ना, कह रहे हो तुम लोग चलो चर्च में, हमें हॉस्पिटल जाना है। चल गोपाल जल्दी कर, चलो जल्दी चलो चलो चलो। जल्दी करो दोस्तों, गोपाल गोपाल उठ, चलो जल्दी 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 चल गोपाल, चल अंदर चलो, उठ जल्दी जल्दी ये किस तरह का पागलपन है? सुदेश एकदम ठीक ठाक है, चोरों की तरह घर से भाग के निकले क्यों? भगवान के वास्ते कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? एन घर पे अकेली है। मैं जो अब तुझसे कहने वाला हूं उस बात पर तुझे यकीन नहीं होने वाला, मगर तुझे सुनना पड़ेगा दिल पर पत्थर रख के। एन अब वो पुरानी वाली एन नहीं रही। क्या मतलब? फिर कौन है वो? उसके अंदर एक प्रेत आत्मा है, बर्नार्ड की प्रेत आत्मा है। पागल हो? ये आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता। ओके, हम पागल नहीं है, हमने अपनी आंखों से उसे देखा है। छी, बकवास बातें हैं। तुम्हें पता नहीं, इतने दिनों से हम नर्क में जी रहे थे, तुम क्या जानो। पहले ये फोटो देख। उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, सबको मार डालोगे। अगर विवेक से अलग होना पड़ा तो उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। अगर उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ना तो सबसे पहले मुझे पता चल। नहीं यार, पूरी दुनिया भी जान जाती ना तो तुझे नहीं पता लगता, क्योंकि वो तुझे पता लगने नहीं देती। बस बहुत हो गया, अपनी एन को जानने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ यार, मत जाओ, जाने दो मुझे। विवेक हमारी बात नहीं करो, जाने दो, जाने दो मुझे, हमारी बात सुनो, जाने दो। विवेक विवेक, बात की सीरियसनेस को समझने की कोशिश कर यार। एन इस वक्त हमारे साथ यही है। मैं जानता हूँ तुम यही कहीं पर हो। बहुत हो गया, लगता है तुम सबका दिमाग खराब हो गया। नहीं विवेक, जब तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता यही रुको। विवेक शांत हो जाओ, विवेक तुझे बचाने की कोशिश की, हम तुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अब तुझे बचाने का और कोई तरीका नहीं है। जानता था तुम जरूर आओगी, तुम्हारा रोम रोम डरता है इस बात से कि कहीं तुम विवेक को खो ना दो, इसीलिए आज तुम्हारे साथ एक गेम खेला हम लोगों ने।
अब देख लिया विवेक ने तुम्हें, अब यकीन हो गया उसे कि तुम क्या हो। मैं जानती थी विवेक, एक दिन तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, चाहे एक उम्र हो या एक पल, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। अपनी ये इच्छा पूरी करने के लिए तुमने विवेक की जिंदगी दांव पर लगाई। तुम्हारे इस रूप के साथ विवेक रहना चाहता है या नहीं, ये तुम खुद से पूछो ना। नहीं ना, हम इसे और अंधेरे में नहीं रखना चाहते। तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है, आज के बाद तुम नजर नहीं आओगी। बस करो। हाँ। तुम्हें क्या लगता है, इसे मेरी लाइफ से निकाल दोगे? मैं तो शुरू से ही सच्चाई जानता था। सब कुछ पता था मुझे, कितनी कोशिश की कि हमारे पीछे पल ना आए, हमेशा खामोश रहा, और इसीलिए इतने समय तक तुम सबको अवॉइड किया। फिर भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए इसने तुम सबको इनवाइट किया। चाह के भी तुम लोग ये बात समझ नहीं पाओगे, हमने बहुत कम समय साथ बिताया है, लेकिन 100 जन्मों के बराबर हैं वो यादें। सुंदर है ना? ओ, कितना प्यारा है ये। आपको डॉक्टर जी बुला रही है। कंग्रेचुलेशन, आपके जिंदगी में कोई आने वाला है। आप भी लीजिए, ये लीजिए, लीजिए बाजी, मैं बाप बनने वाला हूँ, आप भी लीजिए। हेलो,
हेलो एन, एन, सब ठीक हो जाएगा, एन, सब ठीक हो जाएगा, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी वजह से एन की जान गई। जब मुझे होश आया तो तुम मेरे सामने थी एन। फिर भी यह एहसास मुझे होने लग गया कि वो एन नहीं है, एन मर चुकी है। और ये बात समझने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा कि ये एन नहीं, उसकी आत्मा थी। फिर मुझे पता लगा कि एन की बॉडी की तलाश खत्म होने वाली है। भगवान से मैंने मन्नत मांगी कि एन की बॉडी कभी ना मिले। आई एम रियली सॉरी विवेक। को सच्चाई का पता ना लग जाए और कहीं मैं अपनी एन को फिर से खो ना दूं। इसलिए उससे जताता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता। वक्त के साथ ये झूठ भी सच बन गया। उससे दूर करने वाली चीज को मैंने अपने घर और लाइफ से निकाल फेंका। बहुत कुछ बताना है पर पहले ये फोटोज देख। नाइस पिक्चर्स यार। <Nice
ना जाने कितनी बार का, तुम मेरे साथ ना हो तो मैं एक पल भी जी नहीं पाऊंगा। जरा सोचो विवेक, ये लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, कुछ नहीं बदला हमारे बीच। तुम्हें देख सकता हूं, छू सकता हूं। हम आज भी वो विवेक और ऐन हैं। चाहे कयामत क्यों ना आ जाए, हम ऐसे ही रहेंगे। चलो चलो उतरो, उतरो ना। आओ ना। अरे चलो चलो। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं उतरूंगी। चलो उतरो। अरे उतरो, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे कम, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे अरे देखो तो, अरे तुम्हें कहा ना मैं नहीं आऊंगी। ये नहीं आएगी। चलो चलते हैं। चलो। हे वेलकम। हे हाय, कैसे हो तुम लोग? हेलो। कैसे हो? वो कहाँ है? डर के गाड़ी में बैठी है। हमेशा आपकी बातें करता है। अच्छा? आओ। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, एक आत्मा और इंसान हंसे खुशी साथ रहते हैं। क्या प्रॉब्लम है? हमने विश्वास किया ना, और इसकी बीवी भी तो हंस के बातें कर रही है उसके साथ। काश भूत ऐसे सीधे साधे होते हैं ना, पता होता तो अपनी बीवी को ही कार से टक्कर मार देता। किसी औरत को मार के फिर उसके साथ शादी कर लूंगा। ओके जानती हूँ फोटो में नहीं रहूंगी, फिर भी उन सबके साथ तो हूँ फॉरएवर।